ये एक टूल है जी, ये इसकी भी तस्वीर आपके साथ शेयर की गई है। इट इज़ कॉल्ड भगूड़ी एंड इट इज़ यूज फॉर ब्लाइंड होइंग इन शुगर केन स्पेशली। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं, ब्लाइंड होइंग का वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि आपने शुगर केन के सेट्स ज़मीन में प्लेस किए होते हैं। शुगर केन में सोइंग का तरीकाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम अपने एरियाज़ में उसकी सीड से सोइंग नहीं करते, बल्कि हम उसके छोटे छोटे पीसेस जो हैं हम वो काट कर वो ज़मीन में उनको प्लेस करते हैं और फिर वहाँ से फर्दर उसकी स्प्राउटनिंग हो जाती है। और उसकी टेक्निकल रीजंस हैं कि उसको हम एडवांस लेवल पे बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि वाई वी डू नॉट यूज़ सीड ऑफ शुगर केन। बहरहाल हम उसके पीसेस को ज़मीन में प्लेस करते हैं, ऊपर मट्टी डाल देते हैं और फिर हम वेट करते हैं फॉर जर्मिनेशन के वहाँ से नए पौधे डेवलप हो जाएंगे। तो भगूड़ी इस्तेमाल होती है जी कि आपने वो शुगर केन के पीस ज़मीन में रख दिए, ऊपर मट्टी डाल दी, नाउ यू आर वेटिंग फॉर जर्मिनेशन। बट बिफोर जर्मिनेशन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एरेशन इन द सॉयल, इन ऑर्डर टू रिमूव द वीड्स इन योर फील्ड, आप इस टूल को यूज़ करते हैं और जिसको कहा जाता है भगूड़ी। और इसको ब्लाइंड होइंग इसीलिए कहा जाता है, जिसको कि हम पंजाबी में शायद कहेंगे कि अंधी गोडी, कि उस वक्त पौधे अभी ज़मीन में से नहीं निकले होते। एंड इट इज़ यूज फॉर ब्लाइंड होइंग इन शुगर केन। फिर ये एक टूल जी, इन आवर लोकल लैंग्वेज वी कॉल्ड इट टोका। इट इज़ आल्सो अ मल्टीपर्पज़ टूल। आपने कोई भी स्टिक्स वगैरह की कटिंग करनी है, चॉप करना है कोई मटीरियल, कोई चारा शारा चॉप करना है मैनुअली, उसके लिए भी आप यूज़ करते हैं। लेकिन रूटीन में शुगर केन के अंदर शुगर केन प्लांट के छोटे छोटे पीस करने के लिए, जैसे कि हमने भगूड़ी में बात की कि हम उसके पीस बनाकर उसकी जो है छोटे छोटे सेट्स डेवलप करके, टेक्निकली उनको सेट्स कहते हैं, उन पीसेस को हम ज़मीन में प्लेस करते हैं। तो शुगर केन की जो वो सेट्स बनाए जाते हैं उसके लिए हम इसको टोका जो टूल है इसको हम यूज़ करते हैं।